जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज है 22 अगस्त 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज है रक्षाबंधन। सभी स्टूडेंट को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, BTUP से एक ऑफिशियल अपडेट आ रही है जो कि प्रॉक्टर को लेकर के। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और समझिए कि क्या प्रॉक्टर के लिए यहाँ मतलब नियम वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा दिक्कत आने वाली है। इसलिए अभी इस चीज़ को समझ लीजिए, बाकी बताऊंगा प्रॉक्टर कितना भी खुश कर ले उससे बचना कैसे है, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। जो स्किप किया फिर बाद में मत करना कि भाई हमें पता नहीं था और हमें प्रॉक्टर ने बहुत वार्निंग दी और दिक्कत में पड़ गए हम। चलिए, सबसे पहले इस अपडेट के लिए मैं धन्यवाद करना राजन का, जिन्होंने सबसे पहले इस अपडेट को प्रोवाइड कराया है। कल के डेट में देख सकते हैं, महत्वपूर्ण सूचना है और कल के ही डेट में यह अपडेट देखने को मिली है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेषक सीधे BTUP आया है और यहाँ पे सेवा में लिया गया प्रॉक्टर को, ठीक है। ये प्रॉक्टर के लिए जारी की गई है। सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा हेतु चल रहा है और 21 तारीख को यह चीज आई हुई है। अगर विषय पे यहाँ पे जो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा 2021 को सुचारू संचालन के संबंध में, यानी यह परीक्षा सही से नहीं चल पा रही थी, इस वजह से इसे जारी किया गया है। अब समझिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर इससे बचना कैसे वो भी बताऊंगा। देखिए महोदय, यहाँ पे देख सकते हैं, महोदय उपरोक्त विषयक से आपको अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षा 2021 ऑनलाइन माध्यम से वर्तमान में संचालित है, यानी हो रही है। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आपको प्रॉक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। लेकिन संज्ञान में आया है कि कतिपय यानी बहुत सारे प्रॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा, यानी कहने का मतलब कि वह प्रॉक्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉक्टरिंग नहीं कर रहे हैं। अत्यंत यह खेदजनक है, इस पर शासन द्वारा रोष व्यक्त किया गया है, ठीक है। क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रहे, भाई दिक्कत हो रहा है बोर्ड को, समझ रहा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है प्रॉक्टर के लिए। प्रॉक्टर को कहा जा रहा है सुच, यानी ऊपर की जो भी विषय द्वारा, ठीक है, परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षा 2021 को प्रत्येक दिवस की, ठीक है, यानी एवरी डे, या क्या परिषद की समीक्षा द्वारा लगातार कराई जा रही है। उसके बाद ऐसी स्थिति में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए परीक्षा के सुचितापूर्ण संचालन में सहयोग करने का कष्ट करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भौदी में सुनील कुमार सोनकर जो कि सचिव है, इनका सिग्नेचर वगैरह 21 डेट को आया है, बाकी यहाँ देख सकते हैं वही सब कुछ है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैंने आपसे बताया था काफी बहुत लोग को वार्निंग मिल रही है, बहुत लोग को नहीं मिल रही है। देखिए वार्निंग जरूरी नहीं कि आप गलत करें तभी मिलेगी, आप कुछ सब कुछ सही करें फिर भी वार्निंग मिल जाती है, लेकिन सबको वार्निंग नहीं मिल रही है। जैसे कि मैंने एग्जाम दिया था, तो हालांकि मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे नहीं मिला क्योंकि नेट वगैरह भी मेरा प्रॉपर चल रहा था, बाकी अच्छे से एग्जाम भी दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड वगैरह भी सही था, कोई नॉइस वगैरह अगल बगल जो साउंड बजाते हैं वो भी नहीं था, तो सब कुछ सही था। लेकिन वहीं पर जो स्टूडेंट जिसका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया था या कोई अदर दिक्कत आई थी, उन्हें वार्निंग देखने को मिली थी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और साथ में ही कुछ प्रॉक्टर ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि बच्चे अगर मतलब थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं तो उनको रहने दे रहे हैं, इस टाइप का मैंने देखा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब BTUP से यह ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है ना, तो अब एक प्रकार से देखेंगे तो ऊपर से दबाव बनाए जा रहे हैं प्रॉक्टर के ऊपर कि सबको निगरानी रखनी है। अगर पता चल गया प्रॉक्टर, ये प्रॉक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। इसी वजह से अब हो सकता है कि आपकी थोड़ी भी एक्टिविटी पर, ठीक है, थोड़ी भी एक्टिविटी हुई गड़बड़, तो तुरंत आपको प्रॉक्टर एक वार्निंग दे दे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान तो सभी स्टूडेंट रख लेंगे, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात आती है, इससे बचना कैसे है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट चीटिंग करने की सोचते हैं, हालांकि जो देखो चीटिंग या ऐसा कुछ करते हैं उन्हीं को ज़्यादा वार्निंग आती है, तो वह स्टूडेंट सब कुछ करें, चीटिंग करना है जो भी करना सब कुछ करें, बस इतना होना चाहिए कि जो आप चीटिंग करें ना वह कैमरे में ना जाए, बस इतना ही, ठीक है। अगल बगल आप जैसे कुछ लोग जो आप नोटबुक बनाए हैं या फिर बुक बनाए हैं उसके पेज को पलट करके देख रहे हैं भाई इसमें क्या सही है, इसमें क्या सही है, तो वहां पर क्या है ना चक्कर कि आप अगर ऐसे करेंगे तो आवाजें आएंगी भाई माइक्रोफोन से जाएंगी, तो प्रॉक्टर आपको वार्निंग दे सकता है। तो टोटली यही कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट प्रॉक्टर की वार्निंग से बचना चाहते हैं या कह लीजिए UFM से भी बचना चाहते हैं, वह कुछ भी करें लेकिन कैमरे में नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, बाकी जो करना वो करो। स्क्रीन पे कुछ आएगा उसकी वार्निंग तो जो AI बेस्ड प्रॉक्टर है वो आपको बता देगा, बाकी वैसे जो कैमरा और माइक्रोफोन का है वो जो बैठा प्रॉक्टर 20 स्टूडेंट पे एक प्रॉक्टर वह आपका कर देगा। हालांकि 22-25 स्टूडेंट भी हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, उतने लोग की मॉनिटरिंग की जा रही है एक प्रॉक्टर के द्वारा,
ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉक्टर वगैरह नियुक्त किए गए, बाकी वार्निंग वगैरह तो अब थोड़ी तेज आने लगेगी, इस वजह से अभी से संभल जाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी आपके दोस्त का या आपका खुद वार्निंग एक एग्जाम में नहीं आया, तो इसका कतई मतलब नहीं कि अगले में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगले में भी हमेशा वो प्रॉक्टर चेंज होते रहेंगे, और प्रॉक्टर चेंज हुए तो भैया आपको वार्निंग पे वार्निंग लगा देंगे, तो हो जाएगी प्रॉब्लम, आप एग्जाम तक ना ही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ, जो भी करना है जिसको करना है सब कुछ संभल कर करेगा, ठीक है। बाकी प्रॉक्टर से वार्निंग आप समझिए तेजी हो चुकी है, बाकी BTUP का ऑफिशियल अपडेट तो आप देख ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताना चाहता हूँ इसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसे देखना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मैं यही कहना चाहूंगा अंत में। क्यों? क्योंकि भैया कल के डेट में हमने 3 एग्जाम दिलाए, जिसमें जितनी प्रॉब्लम हुई उसको आपको बताने वाला हूं, ये सब प्रॉब्लम हुई इस वजह से, इसका सलूशन क्या रहेगा वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आज की वीडियो में जो ये प्रॉक्टर से अपडेट थी। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो प्रॉक्टर के रिलेटेड या कोई भी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई जाएंगी जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आते इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।